बिटेक पढ़िया पाई चाहू छंती ताला डेरी कोन पाई म लेखि दउ छी बी बिटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी तो जदी आपन माने बिटेक करिया पाई चाहू छंती ताहाले आपन माने को पाई सुपर्ण सुजोग अछि तो प्रथमे मु कथा भी बीटेक होउछि कोन बीटेक होउछि गोटे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जदी आपन माने बीटेक कंप्लीट करि दउ छंती ताहाले आपन माने को ना आगर ईआर लागिवो तो आपन माने जानिथिबे ईआर निर्मल वो फेसबुक आईडी ना तो जदी आपन बीटेक कंप्लीट करि छन तो आपन माने को ना आगर गोटे ईआर लागिवो इंजीनियर जने आपन माने इंजीनियर बेली कहि परिबे तो इंजीनियर को नेकी बहुत लोकक मन रे बहुत प्रकार भ्रांत धारणा थाय किंतु मु से भ्रांत धारणा को क्लियर करूछि जदी आमर बेस्ट स्ट्रांग अछि जदि आम भल भाव निज को प्रिपेयर करि परबा ताहाले इंजीनियरिंग करिकि आमे मंथली कहूँ 1 lakh पर मंथ आम इनकम करि परबा तो एटा बड़ कथा नुहे कि बीटेक पिलामानक पाई कारण से माने ऑल कैपेबल ऑल एलिजिबल कैपेबल जदि भी मोर बीटेक संग माने के देखु छ तो गोटे लाइक कर तो आ गोटे कथा कहबी कौन बीटेक करिया पई हमको कौन कौन करिया को पड़िबो देखो बीटेक करिया पई हमको दुई प्रकार वे जनरली अछि गोटे होची रेगुलर गोटे होची लैटरल ले रेगुलर कहले कौन जो गोटे पिला साधारण तो दशम कला तो दशम पर से प्लस टू कला प्लस टू फ्री साइंस करिया को पड़ो तापर कौन कला से बीटेक कर पार आ गोटे पिला कौन कला दशम तो दशम रु सी आसला डिप्लोमा को तो डिप्लोमा कला से कौन कर बीटेक कर पार तो जदि सी प्लस टू साइंस पर बीटेक कर 4 years कह आउ एटा होची रेगुलर तो जदि से डिप्लोमा पर बीटेक करछि तो ताकु लागिवो 3 वर्ष तो एटा को कहा जाय लैटरल तो गोटे होची लैटरल माने रेगुलर पिला गोटे होची लैटरल पिला तो आउ गोटे कथा कहिबी जदि आपन माने बीटेक करिया पई चाहु छथि जदि आपन एससी एसटी पिला हिदिबे एससी किमा एसटी पिला तो आपन माने मते कॉल करंतु तो एटा आपन मान को फ्री रे एडमिशन हेबो फ्री एडमिशन तो फ्री एडमिशन आपन चाहिए एठी करि परबे एठी मध्ये करि परबे अर्थात फ्री एडमिशन जो हेबो आपन रेगुलर पिला हिथांतु किबा आपन लैटरल पिला हिथांतु आपन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रे आपन माने एडमिशन करिवे 4 वर्ष 3 वर्ष पूरा मायगणा रे आपन माने पाठ पढिबे तो मते कॉल करंतु स्पेशली फॉर एससी एसटी पिला आउ जनरल पिला माने मध्ये मते कॉल करि परिबे जनरल ओबीसी बेस्ट कॉलेज मा आपन को देबी बेस्ट कॉलेज देबी तो जो कॉलेज की आपन माने को पाई बीटेक पाई बड़ कथा तो बीटेक पाई कोन थाय बेस्ट कॉलेज मेथि पाई कहूची बीटेक पिला माने को पाई एजुकेशन जति की दरकार प्रैक्टिकल मध्ये सेति की दरकार आउ सबटु बेसी दरकार होची प्लेसमेंट जो माने भी बीटेक करि सारि छथि तो से माने भी जानथिबे प्लेसमेंट ता बहुत भलो भाबे दरकार तो बीटेक रे कौन हो विभिन्न सारा ब्रांच अच्छी विभिन्न सारा आपण माने कहि परबे सेक्टर अच्छी तो इलेक्ट्रिकल मेकानिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस ऑटोमोबाइल बहुत सारा ब्रांच अच्छी जमीन कि डिप्लोमा रे आपण माने देखिथिले ब्रांच तो बीटेक रे मध्ये सेही भली भाबे ब्रांच अच्छी तो जदि आपण माने प्लस टू करिया पई चाहू छथि ताहाले आपण मानको प्लस टू साइंस नबाकु पड़िबो प्लस टू साइंस नेला परे कोन हो गुडे कथा कि कहि दउछि आ गुडे भलो कथा तो आपण मानको जेई किबा ओ जेई ओडिसा जेई बा खाली जेई एग्जाम दबाकु पड़िबो तो जदि एग्जाम रे भी आपण कर रिजल्ट खाली एग्जाम अपीयर करिया पड़िबो बेसी किछ नै एग्जाम पै फॉर्म पकेयाकु पड़िबो एग्जाम पै फॉर्म पकेला परे आपण माने एग्जाम दियंतु एग्जाम रे आपण जदि माइनस मार्क भी रहउछि ताले आपण भी बीटेक पढ़िया पै एलिजिबल किछ बड़ कथा नै किंतु गोटे रैंक कार्ड दरकार मने लिखि भी दउछि जानिया पै आपण माने को गोटे रैंक कार्ड दरकार तो रैंक कार्ड गोटे दरकार केवल जेई आई परीक्षा देवे आपको रैंक कार्ड मिले तो रैंक कार्ड अनुसार बीटेक एडमिशन नहीं पारे तो मतलब एससी एसटी पिला कॉल करेंगे तो फ्री एडमिशन पाइबे तो आई दी प्रकार वे आने बीटेक करेंगे तो मुझे चाहूँगी प्रत्येक पिला जो मैंने प्लस टू साइंस कर तो से बीटेक कर कारण बीटेक रे कौन होना आप प्लस थ्री करती स्कोप न मिल जॉब रो तो आपको बीटेक कले कौन होना विभिन्न सारा कंपनी रे आपन मानको स्कोप मिलूँ जहाँ सैलरी पैकेज आपको 1 lakh प्लस आसो तेणुक बहुत मात्रा में वीडियो को शेयर कर सांग मानक जनई दि कि बर्तमान आम फ्री एडमिशन करवा बीटेक करवा तो मत कंटाक्ट कर मुझे बेस्ट कलेज देवी जो कलेज के आपको बेस्ट प्लेसमेंट दबो धन्यवाद।